पश्चिम बंगाल को नया राज्यपाल मिल गया है। कोलकाता में आज सीबी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। इस दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रही। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश की एकता बनाए रखना समय की मांग है और यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने पर वो उसमें शामिल होंगे। गुजरात दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज द्वारिकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात में दो चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी के उन्नाव में सरकारी जमीन पर हुए कब्जे पर बुलडोजर गरजा। पुलिस और प्रशासन की टीम ने कब्जा हटाने के साथ 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ वो तोशाखाना मामले में फंसे हुए हैं जिसमें उन पर विदेशों से मिले गिफ्ट बेचने का आरोप है, तो वहीं दूसरी तरफ अब उन पर गोल्ड मेडल बेचने का आरोप भी लगा है। ख्वाजा आसिफ के इस आरोप के बाद पाकिस्तान में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया, जबकि पाकिस्तान मीडिया ने शकील अहमद नाम के उस शख्स को ढूंढ निकाला जिसने इस गोल्ड मेडल को खरीदा था। शकील अहमद ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। उसने बताया कि 2014 में लाहौर से मेडल का एक लॉट खरीदा था जिसमें इमरान को भारत से मिला गोल्ड मेडल भी शामिल था। उसने कहा कि शायद ये मेडल इमरान खान से गुम हो गया था, लिहाजा उसने उसे वापस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी तो उसने इस मेडल की साफ सफाई करके उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सौंप दिया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका फॉरेंसिक टेस्ट करवाया जिसमें साबित हो गया कि ये मेडल इमरान खान का ही है जो उन्हें भारत से मिला था। दरअसल शकील अहमद पुराने सिक्के इकट्ठा करने का काम करता है। उसे पता ही नहीं चला कि ये इमरान खान को मिला एक बेशकीमती मेडल था, लेकिन जब उसे इस बात का इल्म हुआ तो उसने इमरान तक इस बाबत मैसेज पहुंचवाया। शकील ने अपने जानकारों के जरिए इमरान खान को बताया कि उसके पास वो गोल्ड मेडल है जो उन्हें भारत से मिला था, लेकिन शकील तब हैरान रह गया जब इमरान खान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही इस मेडल को लेने की बात कही। मुझे बाद में पता लगा कि ये मैसेज इमरान खान साहब तक पहुंच गया है कि वो मेडल आपका है। अच्छा, मैसेज पहुंच गया है और किसी ने बता भी दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने भी कोई खास उस पे मतलब रद्दअमल का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है। यही नहीं, इमरान खान ने ये जानने की जहमत भी नहीं उठाई कि ये मेडल उनके पास से गुम कैसे हुआ, भारत से मिला ये गोल्ड मेडल एक सिक्के इकट्ठा करने वाले तक कैसे पहुंचा। वो तो पीसीबी ने इसका संज्ञान लिया और मेडल को शकील अहमद से अपने कब्जे में ले लिया। पीसीबी ने खुद मुझसे रابطہ कर लिया उन दिनों में, 2 साल पहले उनके जो डायरेक्टर थे समीउल्लाह खान साहब, उनकी कॉल आई कि आप ये मेडल जो है हमें दिखाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राइट। तो फिर मैं मेडल लेके गया तो उन्होंने मेडल क्यूरेटर को दिखाया। क्यूरेटर ने कहा जी बिल्कुल ये ओरिजिनल मेडल है। फिलहाल पीसीबी ने इमरान को मिले गोल्ड मेडल को बहुत सहेज कर रखा है। शकील अहमद ने बताया कि उस मेडल को पीसीबी ने उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ रखा है जिसे इमरान की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ने जीता था। लेकिन इस गोल्ड मेडल को लेकर शुरू हुआ सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इमरान खान की पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ को निशाने पर लिया और मेडल बेचने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ख्वाजा आसिफ जो सबसे बड़ा झूठा है इस टाइम, ये खुद वो किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, किसकी पार्टी की, जो 3 दफा को वजीर आजम रह चुका है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नायल करार दिया है। वहीं इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी ने शहबाज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 26 नवंबर से मौजूदा सरकार का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इससे नालायक, नकम्मी, नाअहल और अहमक हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं आई है और इंशाल्लाह ताला जो 26 का इज्तिमा है वो यही बात यकीनी बनाएगा कि पाकिस्तान में इस हुकूमत से हम छुटकारा हासिल करें। दरअसल 26 तारीख को PTI का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा, जहां से इमरान खान इसमें दोबारा शामिल होंगे और इस्लामाबाद की ओर कूच करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंची। मध्य प्रदेश की सीमा पर राहुल की अगवानी के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इस मौके पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया और बंजारा समाज के पारंपरिक नृत्य के साथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राहुल ने एक बार फिर BJP पर निशाना साधा। जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने का वीडियो शेयर किया। उन्होंने ट्वीट किया कि देशवासियों के समर्थन से प्रेम और प्रगति का कारवां मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वहीं BJP ने राहुल की यात्रा को बेअसर करार दिया। बाहर जो घूम रहे हैं उससे क्या असर पड़ रहा है,
वो जोड़ो यात्रा में थोड़ी ना चले हुए, तो तोड़ो यात्रा में चले हुए हैं, और जिन लोगों ने देश को नुकसान पहुंचाया उनके साथ चले हुए। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां आर्थिक मंदी से जूझ रही, और यही वजह है कि ट्विटर, मेटा और अमेज़न के बाद अब गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट भी कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी में है। हालांकि अल्फाबेट ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सीईओ सुंदर पिचाई इसके संकेत दे चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्फाबेट कंपनी करीब 10,000 कर्मचारियों को बाहर करेगी जिनका काम अच्छा नहीं है। छटनी के लिए गूगल अपने नए रैंकिंग और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान की मदद से कर्मचारियों के काम की परख करेगी। ये छटनी अगले साल यानी 2023 की शुरुआत में होगी। अल्फाबेट में करीब 187,000 लोग काम करते हैं और छटनी के जरिए कंपनी करीब 6% कर्मचारियों को निकालेगी। इस नई प्लानिंग के तहत अल्फाबेट से उन कर्मचारियों को भी बाहर निकाला जा सकता है जो काम में बहुत अच्छे हैं और हमेशा हाई रेटिंग लाते हैं। दलील दी जा रही है कि हाई रेटिंग वाले कर्मचारियों को निकालने से कंपनी पर बोनस और ईसॉप्स का बोझ कम हो जाएगा। एक कलाकार के हाथ लगते ही कोई भी चीज बेहद खूबसूरत देखने लगती है। देखिए ये वीडियो। कई लोगों को अखरोट खाना पसंद है, लेकिन वही अखरोट अगर एक नक्काशी करने वाले कलाकार के हाथ लग जाए तो देखिए कमाल। इस कलाकार ने छोटे से अखरोट के खोल में अलग दुनिया ही बसा दी है। इंसान हो या बंदर, गुब्बारे से खेलना शायद हर किसी को पसंद है। तभी तो देखिए, जैसे ही इस बंदर को एक गुब्बारा मिला वो उसको लेकर बच्चों की तरह हवा में उछलकर खेलने लगा। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर ही रही, बंदर के पेड़ पर चढ़ते ही गुब्बारा फट गया। कुछ लोग पैराग्लाइडिंग सिर्फ अनुभव के लिए जिंदगी में एक बार करते हैं, लेकिन जब रोमांच और थोड़े से डर का वो एहसास ही आपकी जिंदगी बन जाए तो लोग कोई खतरा उठाने से पीछे नहीं हटते। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो आपको हैरान कर देते हैं, कुछ वीडियोस को देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। डॉग्स का ये वीडियो यही काम कर रहा है। अपने ट्रेनर से इशारा मिलते ही ये शानदार डांस करने लगे।